नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि एक नए शब्द का आविष्कार हुआ है, आंदोलनजीवी। और ऐसे कैटेगरी के लोगों से हमें बहुत बच के रहना है। ये वो लोग हैं जिनके जीवन का संपूर्ण अस्तित्व ही कोई ना कोई आंदोलन है। आंदोलन किसी का भी हो, वो उसमें कूद पड़ते हैं और अपनी आजीविका तलाश कर लेते हैं। ये लोग एक तरह से पैरासाइट्स की तरह हैं जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं और टैक्स पेयर के पैसे पर मजे कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हर आंदोलन में पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार को सलाह देते हैं, लेकिन जब सही में ऑन ग्राउंड काम करने की बारी होती है तो ये बिल्कुल जीरो हैं। दुर्भाग्यवश इन्होंने आज तक एक भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया है। ये लोग जितनी बात करते हैं उसका अगर ये 0.1% भी कर दें तो देश का बहुत भला हो। जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसका कोई ना कोई माइनर रिपरकशन तो होता ही है। जैसे कि अगर आपको हाईवे बनाना हो तो फिर लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, या फिर अगर डैम या फैक्ट्रीज बनानी हो तो हो सकता है कि आपको पेड़ों को डिस्प्लेस करना पड़े। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो किसी को अगर अपना वजन कम करना है या फिर मसल बिल्डिंग करनी है तो उसको जिम में कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, या फिर किसी को अगर सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना हो तो घंटों तक लाइब्रेरी में पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। किसी भी बड़े काम या बड़े अचीवमेंट के लिए छोटे मोटे बलिदान तो देने ही पड़ते हैं। ये आंदोलनजीवी लोग अपने फायदे के लिए इसी तरह के छोटे मोटे पॉइंट्स उठा लेते हैं और देश के लिए हो रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को या तो डिले कर देते हैं या फिर रोक देते हैं। हम सभी को हायर जीडीपी चाहिए और हायर ग्रोथ रेट चाहिए, लेकिन अगर सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे ही डिले होते रहे तो देश प्रगति कैसे करेगा? एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है योगेंद्र यादव जी, जो कि हर आंदोलन में पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया है। हालांकि उनको दिल्ली गवर्नमेंट में मौका जरूर मिला था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने उनको कॉर्नर कर दिया था, लेकिन ये भी तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी का पार्ट है। अगर वो पार्टी के अंदर 10-20 लोग मैनेज नहीं कर सकते तो वो देश के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, जहाँ पे कि हर स्टेप में ही लोगों का ऑपोजिशन है। 2018 में वो नए फार्म लॉज लाने की बात कर रहे थे, जिसमें से कि बिचौलियों को हटा दिया जाए फार्मर्स और कंज्यूमर्स के बीच में से, और वो सरकार की बहुत आलोचना कर रहे थे। और अब सेंटर एक नया लॉ लेकर आई है जिसमें कि मिडिलमैन को साइडलाइन किया जाएगा और फार्मर अपना प्रोड्यूस एपीएमसी मंडी के बाहर भी बेच सकता है, उसको अगर अच्छा रेट मिल रहा हो तो। लेकिन अभी भी योगेंद्र यादव कोई ना कोई बेतुका और बेसलेस लॉजिक लेकर आंदोलन में लगे हैं। उसी तरह स्वरा भास्कर हैं, जो कि एक एक्टर हैं और वो अपने फायदे के लिए किसी भी आंदोलन में कूद पड़ती हैं, भले ही वो CAA हो, किसानों का आंदोलन हो या फिर कोई भी और आंदोलन हो जिसके बारे में उन्हें रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग आंदोलन का फायदा कम और नुकसान ज्यादा करते हैं। वो हर रैली में और न जाने कितने टीवी शोज में NRC के नेगेटिव इफेक्ट्स बता रही थी, और आज तक NRC का ड्राफ्ट भी रिलीज नहीं हुआ है। जेन्युइन राइट्स और कॉज के लिए तो आंदोलन करना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे आंदोलनजीवी लोगों से बचना चाहिए जो बिना किसी बात के आंदोलन करते हैं और ऑलमोस्ट हर आंदोलन में पाए जाते हैं। ये एक तरह से पैरासाइट्स की तरह हैं, हमें इन्हें जानने की जरूरत है। हमें आंदोलनजीवियों और आंदोलनकारियों में फर्क जानने की आवश्यकता है देश के फायदे के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विनोद सिंह। जय हिंद।